दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वैनल सिंह फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में भी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वैनल सिंह सन 2004 में आई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म थी। इस फिल्म में ह्यू जैकमैन, केट बेकिनसेल, डेविड वैनहम, शूलर हेंसले, केविन जो ओ'कॉनर, विल कैंप, एलिना अनाया, अलून आर्मस्ट्रांग, सिल्विया कोलाका, जोसे मारन, टॉम फिशर और सैमुअल वेस्ट नजर आए थे। इस फिल्म को स्टीफन सॉमर्स ने डायरेक्ट किया था, इसे प्रोड्यूस किया था स्टीफन सॉमर्स और बॉब डुकैसी ने। इस फिल्म के म्यूजिक अलन सिल्वेस्ट्री ने दिए थे। इस फिल्म को 7 मई सन 2004 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें इस फिल्म के ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट $160 मिलियन था और इस फिल्म ने डोमेस्टिक में $121 मिलियन का कलेक्शन किया था, तो वर्ल्ड वाइड में $301 मिलियन का कलेक्शन किया था और फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी। अगर इस फिल्म के कलेक्शन को इंडियन रुपीस के हिसाब से देखें, तो आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट 726 करोड़ था और इस फिल्म ने डोमेस्टिक में 548 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो वर्ल्ड वाइड में 1365 करोड़ का कलेक्शन किया था और फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के इंडियन कलेक्शन की, तो आपको बता दूं कि इस फिल्म का इंडियन बजट 4 करोड़ था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 7 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 20 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 2 करोड़ का कलेक्शन किया था। दोस्तों, अगर बात करें वर्डिक्ट की, तो आपको बता दूं कि वैनल सिंह इंडियन बॉक्स ऑफिस में भी सेमी हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 6.1 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की 13वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, वैनल सिंह को पहले सीरीज वाली फिल्म बनाया जाने वाला था, लेकिन इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज मिले थे और फिल्म उतना अच्छा कलेक्शन भी नहीं कर पाई थी, इसलिए इस फिल्म को सीरीज में बनाने का प्लान कैंसिल कर दिया गया था। नंबर 2, ये फिल्म डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही थी, लेकिन ओवरऑल कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही थी। नंबर 3, इस फिल्म में एना का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस केट बेकिनसेल को सबसे आखिरी में कास्ट किया गया था। नंबर 4, इस फिल्म के जिस जगह में वैनल सिंह और एना ड्रैकुला की तीन पत्नियों से लड़ाई करते हैं, उसी जगह में सन 1931 में आई फ्रैंकिस्टीन, ड्रैकुला और सन 1941 में आई द वॉल्फमैन की शूटिंग भी की गई थी। नंबर 5, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ह्यू जैकमैन का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था। नंबर 6, इस फिल्म की कहानी ब्राम स्टोकर की नॉवल ड्रैकुला पर आधारित थी। दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।